बॉलीवुड इंडस्ट्री में कई एक्ट्रेस आई और गई। कुछ ने अपनी अदायगी से लोगों का दिल जीता तो कुछ ने अपने हुस्न के जलवे लोगों पर बिखेरे। ऐसे में एक हीरोइन दूसरे देश से आई और उन्होंने अपनी अदायगी से लोगों का ना तो सिर्फ दिल ही जीता बल्कि अपने हुस्न से भी दिलों पर राज किया। कौन है ये हीरोइन? लेकिन उनके आने के बाद उनकी एक ही फिल्म सुपरहिट हुई, उसके बाद उन पर अनलकी का टैग लगा दिया गया। एक डायरेक्टर ने सभी के सामने बोल दिया कि आप हीरोइन नहीं बन सकती। कौन थी ये एक्ट्रेस? लेकिन इसके बाद क्या हुआ? क्या उन्होंने बॉलीवुड में अपना सिक्का जमाया? ऐसी ही कुछ बॉलीवुड की चटपटी खबर लेकर आज हम आपके सामने हाजिर हैं। लेकिन अगर उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारे चैनल की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। पहली फिल्म बम्पर हिट और उसके बाद बैक टू बैक फ्लॉप फिल्मों की कतार। जी हाँ, अलहदा लुक्स के बावजूद बॉलीवुड में जगह बनाने में कामयाब रही। उसके बाद एक डायरेक्टर ने सबके सामने स्टुपिड यानी कि वाहियात कहकर नकार दिया। इन सब के बावजूद इन्होंने हार नहीं मानी, ऐसा गजब का काम कर दिखाया कि वो अपने दौर की एक बहुत ही सफल एक्ट्रेस रही। इसके बाद फैंस ने इन्हें इतना प्यार दिया कि वो अपने हुस्न के जलवे सालों साल लोगों पर बिखेरती रही। क्या पहचान पाए इस हीरोइन को? इनके ऊपर एक सुपरहिट गाना भी पिक्चराइज हुआ था जो सबसे पहले माधुरी दीक्षित पर फिल्माया जाने वाला था, लेकिन बाद में ये गाना इन पर फिल्माया गया। चलिए मैं ये गाना आपको बताती हूँ, शायद आपको याद आ जाए कि वो हीरोइन कौन है। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। जी हाँ, ये हीरोइन, ये एक्ट्रेस और कोई नहीं, 1942 अ लव स्टोरी की मनीषा कोइराला जी हैं। आप सही पहचाने। 1942 अ लव स्टोरी के ऑडिशन के दौरान फिल्म मेकर विधु विनोद चोपड़ा ने मनीषा कोइराला को स्टुपिड कहकर लुटा दिया था। वो फिल्म में माधुरी दीक्षित को कास्ट करना चाहते थे। उन्हीं के लिए वो एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा गाना लिखवा भी चुके थे, लेकिन डेट्स की कमी के चलते माधुरी दीक्षित उपलब्ध नहीं हो सकी। विधु विनोद चोपड़ा ने दोबारा मनीषा कोइराला का ऑडिशन देखा। इस बार वो उनके पैमाने पर खरी उतरी और माधुरी दीक्षित को भुलाकर ये फिल्म और ये गाना दोनों मनीषा कोइराला के हिस्से में दे दी। मनीषा कोइराला के करियर की शुरुआत में उन्होंने माधुरी दीक्षित का हम शक्ल भी माना गया। पहली फिल्म सौदागर ने तो बॉक्स ऑफिस पर जम कर जलवा दिखाया, लेकिन उसके बाद बैक टू बैक तीन फिल्में फ्लॉप रही, जिसकी वजह से मनीषा कोइराला पर अनलकी होने का टैग भी लगा। लेकिन मनीषा कोइराला इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली थी। उन्होंने 1942 ए लव स्टोरी जैसे फिल्म में काम करने का मौका मिला और उसे प्रूफ भी करके दिखाया। इसके बाद मनीषा कोइराला ने पलट कर नहीं देखा, बॉम्बे, खामोशी द म्यूजिकल, मन, लज्जा जैसे एक के बाद दमदार फिल्में करके उन्होंने बॉलीवुड में अपनी खास जगह बना ली है। जी हाँ, आज मनीषा कोइराला जी एक सक्सेसफुल अभिनेत्री हैं। तो आपको ये स्टोरी मनीषा कोइराला जी के बारे में कैसी लगी, हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। और ऐसे ही कुछ और चटपटी खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ।